भैया जी, भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर कनॉट प्लेस में स्वागत है। तमाम वो जनता मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करना चाहूंगा और आज जो मुद्दा है, जो बहस है, जेरे बहस है, वो यही थी कि जिसको कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने संसद में उठाया और कहा कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो मोदी 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 लगता है। इस पर बीजेपी के एक नेता ने कमेंट भी कहा कि अगर वो ग्लेडिएटर आप कहती हैं, योद्धा कहती हैं, तो सच में वो योद्धा हैं और एक के बाद वो जीतते जा रहे हैं। मैं एक आपका कमेंट देन आलोक पुराणिक जी। देखिए, एक सबसे शर्मनाक और दुखद पहलू क्या है कि एक ऐसी पार्टी के द्वारा यह मुद्दा संसद में उठाया गया जिनके राज्य में कल रात को ही इतना भीषण नरसंहार हुआ और पोस्ट पोल वायलेंस की घटना बंगाल में जो हुई है, मैं लिस्ट गिना सकता हूं, लेकिन भैया जी के शो में इतना वक्त नहीं होता है, लगातार जनता के बीच में आपको पूछना है सवाल। तो सीधा सा बात यह है कि लोग जिनके यहां अपने राज्य में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था नहीं संभल रही हो, जहां पर राज्यपाल को और गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ रहा हो, उनको मोदी विरोध से ज्यादा अपने राज्य के नागरिकों की चिंता करनी चाहिए थी। जी आलोक प्रणाम जी, अवकाश मैं आया जी। आलोक जी देखिए, एक तो माफी चाहूंगा, पहले देर से आया मैं आपसे बात, कोई दिक्कत नहीं सर जी। देखिए, पेट्रोल के भाव ना बढ़े, इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि लोकसभा के चुनाव हर पांचवें दिन हो जाएं और विधानसभा के चुनाव हर तीसरे दिन हो जाएं। क्या बात है आलोक जी, आलोक जी व्यंग भी बहुत अच्छा लिखते हैं और इन्होंने व्यंग किया है जी। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहां का मूड देख रहा हूं, लोग महंगाई से परेशान हैं मगर संकटग्रस्त महसूस नहीं कर रहे। ये कुछ यूं है कि एक महिला अपने पति से परेशान हो, इसके बावजूद वो अपने मोहल्ले के किसी गुंडे छिछोरे के साथ भाग नहीं जाएगी। तो संकट परेशानी इसलिए आ रही है कि मोदी का जो भाव है ग्लेडिएटर वाला, ग्लेडिएटर वो इसलिए है कि बाकी सारे नेता कार के ठंडे रेडिएटर हो गए हैं, अपनी अपनी पार्टी को ठंडा कर रहे हैं। मैं नाराज हूं मोदी जी से, पर कहां जाऊं, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, और आप बहुत मीडिया के व्यक्ति हैं, मोदी ने खुद हासिल कर लिया है कि संकट में जनता हो तो बता देते हैं कि ये तो तुम राष्ट्र के लिए कर रहे हो। नोटबंदी के दिनों की कतार आप याद करें, लोग परेशान हैं लेकिन फिर भी। तो मेरे ख्याल में मोदी जी इसीलिए बहुत बड़े पहलवान। मैं एक जिक्र करता हूं क्योंकि आप लिखते रहते हैं, मैं एक जिक्र कर रहा हूं, मैं चुनाव के बीच से अभी लौटा हूं। उन्होंने बोला कि पेट्रोल मैं 200 रुपए लीटर खरीद लूंगा लेकिन वोट मैं योगी जी को ही दूंगा, मोदी जी को ही दूंगा। मैंने पूछा क्यों, आखिर क्यों? बोला हमें सुरक्षा है, हमें तमाम मुद्दे हैं। तो अब सवाल यह है कि जब नैरेटिव ये हो तो आप कैसे लड़ेंगे, जो इन्होंने कहा था इमोशन जी। ऑफ कोर्स कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करना चाहूंगा क्योंकि राहुल गांधी का भी ट्वीट है, वो ट्वीट मैं पढ़ूंगा भी जी। हाँ जी, हाँ जी, सवाल विश्वास का है और मोदी जी ने वर्षों के अपने कर्मों से ये कमाया है। राहुल जी अपने विश्वास को जनता में हासिल नहीं कर पा रहे हैं जी। पहले तो मैं प्रतीक जी एक बात पूछना चाहूंगा कि भैया जी कहीं का कार्यक्रम मेरे को इतना लाचार कभी नहीं दिखाई दिया जितने आज आपकी लाचारी दिखाई दे रही है। जी, बहुत अच्छी बात। 6 बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र के पास आप चले गए, हाँ। लेकिन हमारा वर्जन लेने के पास आपके पास समय नहीं है, यही दिक्कत है। कांग्रेस की रोना रोज रोती है और काम कैसे करें यह समझ में नहीं आ रहा उसको। ये रोना नहीं है, आप हमारे ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, आप बुलाते हैं तो आपसे, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं, अपेक्षा करेंगे आपको। आज देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मैं 2-3 बातें शॉर्ट में करूंगा। आज देश का हालात क्या है, आज हम कनॉट प्लेस में वो सुना था जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था, बगल में जो बैठे हैं जो नेता, उन्होंने कहा था 40 साल से कांग्रेस में अपनी दशा नहीं देखते हैं आप, आईना दूसरों को दिखा रहे हैं, अपनी जेब में आईना नहीं रखते हैं जी। क्या कह रहे थे नाराज? मैं AICC लेबर सेल का मेंबर रहा हूं, दिल्ली प्रदेश में चेयरमैन रहा हूं आरपी सेल में और दिल्ली गवर्नमेंट के कई उसमें रहा हूं, 40-45 साल से कांग्रेस में हूं। मेरा ये कहना है जो फैसला पंजाब की सरकार हमारी क्यों गई, ये अगर सिद्धू को, सिद्धू मुंडू है। आई वॉन्ट टेक इट। चलिए चलिए, मैं इन्हीं की बात का जवाब देता हूं, मुझे नहीं पता ये कब क्या थे और अब क्या है, लेकिन देखिए आपका जवाब दीजिए, आप असल बात का जवाब सुनिए जी। आज ये बात हो रही है कांग्रेस बीजेपी की, मैं उसी की बात करता हूँ, ठीक है, बुराई कीजिए, आज बहुत बुराई हो रही है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन हम जिस अभी इस गलियारे में खड़े हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, आपके कैमरामैन पाजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कैमरा घुमा दीजिए, इस कैमरे में आसपास जो बिल्डिंग दिखाई दे इनसे बता दीजिए कि इनका क्या योगदान था। सामने देखिए LIC की बिल्डिंग है बहुत बड़ी, किसने बनाई थी, दिखाइए किसने बनाई, हाँ हाँ हाँ,
कसूर तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का है, पार्टी के आप बिल्डिंगे दिखाओ, यहाँ दिखाओ, वहाँ दिखाओ, 70 साल। देखिए बहस बहस किसके बीच में, कांग्रेस कांग्रेस, नो यू विल सिट डाउन, यू विल सिट डाउन एंड द कांग्रेस इज रेडी क्वेश्चन अगेंस्ट द कांग्रेस। देखिए दुखती नस दब गई है, नस दब गई है, पूरी पूरी खुलने जुरे आली, आपकी नजर नहीं खुली अभी तक, कांग्रेस वाला आपसे सवाल पूछ रहा है, बीजेपी वाला नहीं। ये कांग्रेस वाले होते तो कांग्रेस से इस तरह का सवाल नहीं करते। आज इनकी हकीकत मालूम है ये क्या है, मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इनका जवाब दे रहा है ये कौन है। अरे सुन लीजिए, ये देखिए सामने LIC की बिल्डिंग, सामने दिखाइए LIC बिल्डिंग, LIC जो देश की लाइफलाइन थी, करोड़ों लोगों का पैसा इसमें लगा है, ये कांग्रेस की सरकार ने LIC। अब बाजी मेरी तरफ लगाइए, नाउ एवरीबॉडी विल सिट डाउन, एवरीबॉडी विल सिट डाउन, ऑफ कोर्स आई विल, चल 15 सेकंड, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। हमने बनाया कांग्रेस की सरकार ने, किसने बेचा इसको, कौन बेच रहा है इसको LIC को, कौन देश को बेच रहा है, और ये कहते हैं बहुत अच्छा हो रहा है। अरे इसको देख के बोल लो जरा, ये पीछे आपके खड़ी है इतनी बड़ी बिल्डिंग LIC, देश के 80 करोड़ लोगों का पैसा लगा है उसमें, दे दूंगा 80 करोड़ लोगों का पैसा लगा है। ये तो छोटा सा उदाहरण है जो सामने दिख रहा है, और एक चीज दिखा दो जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो यहाँ पर, एक चीज बता दो, ये पालिका बाजार में जहाँ आप खड़े हैं, हम देश की